तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड ऑन स्टीम पाइप, यानी कि स्टीम पाइप के ऊपर इंसुलेशन लगाने का जरूरत क्यों पड़ा, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्टीम पाइपलाइन हो, उसमें हमारा इंसुलेशन मटेरियल जो है उस पाइपलाइन के ऊपर जरूर लगा रहता है। अगर इंसुलेशन मटेरियल नहीं लगाएं तो क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि किसी भी स्टीम पाइप के ऊपर हमारा इंसुलेशन मटेरियल क्यों लगाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक स्टीम लाइन का सिंपल डायग्राम बना रखा है। ये क्या हमारा एक स्टीम पाइपलाइन है जिसके अंदर हमारा क्या है, स्टीम फ्लो कर रहा है। और इस पाइप का जो इंटरनल डाया है वो कितना है, 200 mm है। और इसका जो थिकनेस है मान लीजिए 25 mm है, यानी कि टोटल हमारा जो ओडी है वो कितना हो जाएगा, ओडी इसका 250 mm हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टीम फ्लो कर रहा है इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा। तो अज्यूम कर लीजिए कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 500 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो 500 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो ये जो मेटल है, यानी कि जो हमारा पाइपलाइन का जो मेटल है उससे क्या करेगा, मेटल हीटअप हो जाएगा। इस टेम्परेचर मेटल है हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और अपना जो टेम्परेचर है वो खुद का टेम्परेचर बढ़ा देगा। तो जब हम लोग इसको चेक करेंगे, मेटल का आउटर टेम्परेचर चेक करेंगे, तो इसका टेम्परेचर भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए इसका टेम्परेचर आपको 200 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है और इस कंडीशन में अभी कोई भी इंसुलेशन नहीं लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था वो ये मेटल हीट एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये आगे चल के ये 500 डिग्री नहीं रहेगा बल्कि थोड़ा सा उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेटल जो है वो स्टीम का हीट को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। और ये जो बाहर से जो 200 डिग्री सेल्सियस हमारा मिल रहा है, ये क्या होगा, एटमॉस्फेयर का जो एयर है वो क्या करेगा, इसका हीट को एक्सचेंज करेगा। क्योंकि एयर जो है वो हमेशा क्या रहता है, अनसेचुरेटेड रहता है, यानी कि वो हमेशा कहीं ना कहीं से वो हीट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तो बाहर से अगर ये ओपन रहेगा, यानी ट्यूब ओपन रहेगा, पाइपलाइन ओपन रहेगा, तो क्या करेगा, हीट को एक्सचेंज करेगा। इस तरह से हमारा क्या होगा, बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट का लॉस होता है, जिसको हम लोग सरफेस हीट लॉस बोलते हैं। तो ये जो सरफेस हीट लॉस का जो वर्ड है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो देखिए सरफेस हीट लॉस, इसको कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है 10+TS-TA और डिवाइड कर देना है किससे, 20 से, ठीक है, और इनटू कर देना है TS-TA। ये बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। तो ये जो TS है ना, TS का मतलब क्या है, ये वाला टेम्परेचर, यानी कि सरफेस का जो टेम्परेचर है वो, और TA का मतलब क्या है, TA मतलब एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है। मान लीजिए कि हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है अभी फिलहाल कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस है। तो इस फॉर्मूला से आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 10+TS कितना है, 200-35 और डिवाइड कर देना है 20 से, और इनटू क्या कर देंगे, ये 200-35। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो किस में आ जाता है, तो इसका वैल्यू आता है किलो कैलोरी पर आवर मीटर स्क्वायर, यानी कि पर मीटर स्क्वायर कितना कैलोरी जो है हीट रिजेक्ट हो रहा है। यानी कि अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा कि एक घंटे में 1 meter square केवल एरिया जो है वो इतना किलो कैलोरी जो है हीट को रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही लार्ज अमाउंट में वैल्यू आने वाला है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इतना लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज ना हो, हीट लॉस ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग इंसुलेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग किसी कैल्शियम सिलिकेट का इंसुलेशन यहाँ पे कर दिए, यानी कि सबसे पहले हम लोग पाइपलाइन में क्या करते हैं, मेनली कैल्शियम सिलिकेट से करते हैं। तो जैसे ही हम लोग कैल्शियम सिलिकेट से करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा सरफेस टेम्परेचर 200 मिल रहा था, अब यहाँ पे कितना मिल रहा है, मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है।
कितना मिल रहा है 80 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसका सरफेस हीट लॉस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए S1 था, अब हम लोग क्या करेंगे S2 कैलकुलेट करेंगे। तो S2 कैलकुलेट करने के लिए हमारा सेम फॉर्मूला है क्या, तो 10 प्लस अब यहाँ पे क्या है 80 माइनस 35 और डिवाइड 20 और इनटू क्या हो जाएगा 80 माइनस 35। तो इसका भी क्या आ जाएगा, किलो कैलोरी पर आवर मीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो S1 यानी कि फर्स्ट सरफेस से जो हमारा हीट का लॉस हो रहा था वो कितना हो रहा है, तो 3011.25 किलो कैलोरी पर आवर मीटर स्क्वायर। यानी एक मीटर स्क्वायर में एक घंटे में कितना किलोरी हीट का लॉस हो रहा है, तो 3011। अगर मान लीजिए कि आपका जो कोल है उसका जिस भी 3000 है, तो ये आपका क्या है 1 kg कोल जो है पर मीटर स्क्वायर हीट का रिजेक्ट, इतना कोल का लॉस करेगा, इसका मतलब यही है। सेकेंड केस में जैसे ही हम लोग इंसुलेशन लगा दिए तो देखिए इसका जो वैल्यू है वो हमारा कितना आ गया 551.25 किलो कैलोरी। अब आप चाह रहे हैं कि ये भी हमारा बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग और क्या करेंगे, इसके ऊपर और एक इंसुलेशन लगा देंगे। मान लीजिए कि एक और हम लोग इंसुलेशन ग्लास वूल वगैरह का लगा दिए, जिसके सरफेस से हमारा जो हीट लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है 45 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। यानी कि इसके सरफेस का जो टेम्परेचर है जब हम लोग मेजर किए तो हमें कितना मिला 45 डिग्री सेल्सियस मिला। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे S3 कैलकुलेट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारा वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है। तो 45 माइनस 35 और डिवाइड 20, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा 45 माइनस 35। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो 45 माइनस 35 यानी 10 डिवाइड 20, तो 0.5 हो गया, प्लस 10 कर दीजिए और इनटू कर देना है 10 से, तो ये 105 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है 105। ये क्या हो गया किलो कैलोरी पर आवर मीटर स्क्वायर। यानी कि अब क्या करेगा, पर मीटर स्क्वायर कितना, एक घंटे में कितना किलो कैलोरी हीट लॉस करेगा, तो 105। तो आप समझ सकते हैं कि जहां हमारा 3011 किलो कैलोरी हीट लॉस हो रहा था एक मीटर में पर आवर के हिसाब से, वही हमारा पर मीटर स्क्वायर कितना हो रहा है 105 किलो कैलोरी हो रहा है। तो कितना सेविंग हो गया इससे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गुना। अगर आप कितना गुना हुआ तो आप क्या करेंगे 3011 डिवाइड 105 कर देंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना गुना हमारा जो है सेविंग हो रहा है। यानी कि 28 टाइम्स जैसे ही हम लोग इंसुलेशन लगा दिए तो हीट का रिटेंशन हो रहा है, यानी कि हीट हमारा स्टीम के अंदर ही कैरी हो रहा है, नहीं तो हमारा इतना जो हीट है वो लॉस हो रहा है। अल्टीमेटली इस हीट लॉस को मेंटेन करने के लिए हमें बॉयलर में ज़्यादा फ्यूल का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर इस हिसाब से अगर पर मीटर स्क्वायर में हो रहा है तो ये लगभग हमारा अगर 3000 किलो कैलोरी का जिस भी वाला कोल है तो हमारा 1 kg तो केवल यही खा लेगा पर मीटर स्क्वायर ये है। अगर मान लीजिए हमारा 100 मीटर का ये पाइप है, मतलब कि हमारा जो स्टीम पाइप है अगर 100 मीटर का है, तो कितना हीट लॉस करेगा उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कि इसके लिए मैं एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हूँ कि कैसे हम लोग हीट लॉस कैलकुलेट करते हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो उसका फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए थे कि इसको निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले हमें एरिया निकालना है, यानी कि पाई डी इंटू एल कर देंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा, पूरा एरिया निकल जाएगा पाई डी। ये पाई डी यानी कि पाई का वैल्यू 3.14 और इंटू डी कितना है 250, यानी कि सबसे इनिशियल कंडीशन में, इंटू एल कितना है 100। तो ये पहले केस में निकल जाएगा कि इसका एरिया कितना है, जितना भी एरिया आएगा उससे इतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चलेगा कि उतना हीट जो है वो लॉस हो रहा है पर आवर। वही अगर आप सेकंड केस का लेंगे तो सेकंड केस में हमारा जो ये इंसुलेशन है वो कितना एमएम का है वो चीज़ जानना है। अगर 50 mm है तो 50 ऊपर 50 इधर, यानी कि 100 mm हो गया, यानी कि 350 mm यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये मीटर में है तो इसको मीटर में करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा 0.250 हो जाएगा, क्योंकि mm को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.25 हो जाएगा। वैसे ही अगर 350 हो जाएगा तो 0.350 हो जाएगा और इंटू 100। तो ऐसे करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल देंगे तो पर मीटर यानी एक मीटर में हमारा इतना लॉस हो रहा है तो जितना भी एरिया आएगा उसमें कितना लॉस होगा। इस तरह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है, इसीलिए हमारा ये जो इंसुलेशन है वो बहुत ही मस्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इस कैलकुलेशन की मदद से कि
हमारा इंसुलेशन लगाना कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी इंसुलेशन लगा सकते हैं, जहां पे भी 100 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस सरफेस टेम्परेचर मिल रहा है वहां पे आप इंसुलेशन लगा के जो बाहर एटमॉस्फेयर में जो हीट रिलीज कर रहे हैं उसको आप सेव कर सकते हैं, और कितना सेव करेंगे उसको आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हुआ ऑल अबाउट, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।